बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे साथ मौजूद हैं समड़े आल के हर दिल अजीज़ एमपीए अरशद जवेद वड़ैच साहब, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए कहाँ तक तैयार हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, असी अल्लाह की मेहरबानी और फजलो करम पूरी तैयारी असं तैयार हाँ, और इस तरह का इतों सियालकोट तो काफिला लैके जावे कि शायद को पंजाब च भी ना लैके गया। आज की वेलकम रैली जो है वो इस बात का सबूत है कि अरशद वड़ैच साहब और उनकी पूरी टीम जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं इनसे पूछूंगा कि जितनी महंगाई हुई है इसके बावजूद भी हम कामयाब हो सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला वो जी उम्मीद है वो सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने महंगाई पहले भी इन्हें खत्म की थी मियां नवाज शरीफ ने, हूँ भी इंशाअल्लाह ताला आखिरी उम्मीद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आप दुआ करो कि अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत तंदुरुस्ती दे और काम करने वास्ते जिस तरह आए हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्होंने मदद करे और अल्लाह की मेहरबानी और उदे फजलो करम के नाल पाकिस्तान जो महंगाई खत्म करेगा तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेगा। मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी जो है मरियम नवाज, उसको कोई पैगाम क्या देना चाहते हैं आप? पैगाम दो मियां साहब नु वेलकम दा की पैगाम देना चाहते हैं? अपना बीबी मरियम नु सी पैगाम देना चाहते हैं, मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इस तरह का जिस तरह के अल्लाह ताला ने लीडर पैदा किए ने, शायद मेरी होश में आज तक इस तरह का लीडर अल्लाह ताला ने मैं नहीं देखा खुद भी, तो बीबी मरियम नु सी मुबारकबाद देने कि इन्ने अच्छे टाइम के बीच जी है मोबाइलेशन ने सारी मियाँ अपना मरियम नवाज दी और मियाँ शहबाज शरीफ दी। उम्मीद से यकीन तक मैं हूँ समर इकबाल मलिक, पाक मलेशिया न्यूज़ समड़ियाल।